कि देश का विकास हुआ है, देश सभी स्तरों पर मजबूत हुआ है, मजबूत लोकतंत्र है, इसलिए सभी में उत्साह के साथ वोट देने के लिए ललक है और लोग आकर के वोट मतदान कर रहे हैं। अभी उसका एक पहचान 85 वर्ष के, 90 वर्ष के, 101 वर्ष के लोग मतदान करने आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं और उनके घर पर मतदान की व्यवस्था थी, फिर भी वो कहने हैं बूथ पर जाके मतदान करेंगे। उनसे प्रेरणा लेकर के बाकी सभी को, युवा हों और महिलाएँ हैं, सभी को मतदान करना चाहिए। आज भारत को समृद्ध बनाना है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। क्यों नहीं वोट देगा मोदी जी को भी पहले बताइए। गरीब को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, गरीब को शौचालय का लाभ मिला, सड़क को, शहर को गांव से सड़क के माध्यम से जोड़ा गया है ना, पुल पुलिया का निर्माण हुआ। और सबसे अहम बात है, पहले हिंदुस्तान को लोग हिंदुस्तान में ही जानते थे, अब आज हिंदुस्तान के पूरे विश्व में जान रहे हैं। आज हम लोग विश्व गुरु बनने के कगार पर खड़े हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जो 10 साल में काम हुआ, पिछले 75 साल में काम नहीं हुआ था, और आने वाला कल में 24 में फिर हम मोदी जी शपथ ले रहे हैं और 415 पार से शपथ ले रहे हैं और पूर्ण बहुमत से हम लोग का सरकार बन रही है। नमस्कार, मैं नंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जगह जगह जाकर जाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किन किन मुद्दों पर इस बार वोट पड़ रहा है। देखिए, पटना के लोग हमारे साथ, पटना साहिब क्षेत्र के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, आपने वोट दे दिया ना? जी जी। अच्छा, किन किन मुद्दों पर आपने इस बार वोट दिया? हमने लोगों से जानने का प्रयास किया, लोग कह भी रहे हैं कि हमने विकास के मुद्दों पर वोट दिया है, क्या कुछ हटके कोई मुद्दा है? नहीं, बिल्कुल विकास के मुद्दे पर ही यहाँ वोट पड़ रहा है। देश का विकास, देश का विश्व में विकास और अपनी जनता का विकास, यहाँ सुविधाओं का विकास, आधारभूत संरचनाओं का विकास, इन सभी मुद्दों पर आज वोट पड़ रहा है। और प्रातः काल से आज यहाँ पंक्तिबद्ध होकर के लोग वोट दे रहे हैं। सरकार की तरफ से भी अच्छी इंतजाम है और लोगों में प्रचार कर करके ये भाव फैलाया गया है कि ये महापर्व है लोकतंत्र का, इसमें, हाँ, लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी उत्साह से सम्मिलित हो रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, अपने शिक्षा से मतदान कर रहे हैं। और इसका मेन मुख्य मुद्दा है कि देश का विकास हुआ है, देश सभी स्तरों पर मजबूत हुआ है, मजबूत लोकतंत्र है, इसलिए सभी में उत्साह के साथ वोट देने के लिए ललक है और लोग आकर के वोट मतदान कर रहे हैं। इतने गर्मी का मौसम, इतने यहाँ भी बहुत सारे लोग वोट देने नहीं भी आ रहा, आप वोट देने आए हैं, क्या कहिएगा उन लोगों को जो गर्मी के कारण वोट नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल घर से बाहर निकलना है और ये पर्व है, इसमें जैसे हम अपने बाल बच्चों, बेटी की शादी में दिन रात जग करके काम करते हैं, उसी तरह से आज के इस महापर्व में कोई थकान किसी को महसूस होना नहीं है। यदि कोई घर में है तो निश्चित रूप से निकल करके और बूथ तक आएँ। और अभी उसका एक पहचान 85 वर्ष के, 90 वर्ष के, 101 वर्ष के लोग मतदान करने आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं और उनके घर पर मतदान की व्यवस्था थी, फिर भी वो कहने हैं बूथ पर जाके मतदान करेंगे। उनसे प्रेरणा लेकर के बाकी सभी को, युवा हों और महिलाएं हैं, सभी को मतदान करना चाहिए आज आकर। वोट आपने कर दिया? हाँ, वोट कर दिया है। चलिए, मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा है नरेंद्र मोदी जी, जो आज के डेट में भारत की नहीं विश्व की एक ताकत है। भारत को समृद्ध बनाना है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, यही मुद्दा है हम लोग का। और पूरे देश आज नरेंद्र मोदी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है, ये हम लोग का मुद्दा है। चलिए, हम बिहार पर आते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से वोटिंग किया जा रहा है, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में हम हैं, यहाँ पर क्या कुछ कमियाँ यहाँ पर रही है? यहाँ पर जो भी कमियाँ रही है, आज आप देख रहे हैं कि पटना में पहले क्या था, रोड जाम की बहुत समस्या रहती थी, आज आप मेरिन ड्राइव के माध्यम से चारों तरफ रोड का जाल बिछा हुआ है। ये हमारे इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, हमारे विकास पुरुष आदरणीय नंद किशोर यादव जी और सांसद महोदय जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, जो हमारे प्रत्याशी भी हैं, उनके विकास कार्य को हमारा नज़र आता है चारों तरफ मेरिन ड्राइव। ये पटना एम्स में, अब जाइए एम्स में सुविधा, जो ऑक्सीजन की सुविधा कोरोना काल में भी जो सुविधा दिया है इन्होंने, वो अकल्पनीय है। माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने बहुत काम किया है और हमारे जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव जी ने विकास का लाइन लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी विकास से कभी पीछे नहीं हटी है। चलिए, धन्यवाद। किन किन मुद्दों पर वोट दिया है आप? हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने जितना विकास किया है उन मुद्दों पे हमने वोट दिया है, लोकतंत्र का है। और हमारा पूरा बहुमत और हमारी महिलाएं, देखिए घर से निकल करके सुबह 6:30 बजे से ही लाइन में लग करके महिलाएं वोट दे रही हैं। सारी बूथों पे अब देख रहे हैं खुशी और उल्लास, जैसे मनाया जाता है ना पर्व त्यौहार होता है होली दशहरा, उस तरह से खुशी देखिए महिलाएं सारी आ रही हैं। देख रहे हैं आप सारे बूथों पे सारी महिलाएं भरी हुई हैं, महिला का तो बहुत प्रतिशत बढ़ गया है। महिलाएं मतलब खुश हैं? नहीं, खुश हैं, काफ़ी खुश हैं। मोदी जी आ रहे हैं, 404 पार हो रहा है, इससे बड़ा क्या खुशी का बात है।
करने का। अच्छा, किन किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं इस बार, क्योंकि मुद्दे बहुत मुद्दा साफ है, पूरे देश जान रही इस बात को। क्यों नहीं वोट देगा मोदी जी को भी पहले बताइए। गरीब को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, गरीब को शौचालय का लाभ मिला, सड़क को शहर को गांव से सड़क के माध्यम से जोड़ा गया है ना, पुल पुलिया का निर्माण हुआ। और सबसे अहम बात है, पहले हिंदुस्तान को लोग हिंदुस्तान में ही जानते थे, और आज हिंदुस्तान के पूरे विश्व में जान रहे हैं। आज हम लोग विश्व गुरु बनने के कगार पे खड़े हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जो 10 साल में काम हुआ, पिछले 75 साल में काम नहीं हुआ था, और आने वाला कल में 24 में फिर हम मोदी जी शपथ ले रहे हैं, और 415 पार से शपथ ले रहे हैं, और पूर्ण बहुमत से हम लोग का सरकार बन रही है। कुछ कुछ नए मुद्दे भी होंगे ना, क्योंकि नई सरकार अगर आएगी तो नए मुद्दे भी होंगे, तो नया मुद्दा क्या क्या होगा कि क्या क्या? एक बात है कि नया सरकार आने का कोई महत्व ही नहीं है। आप इंडिया का हम कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो मुद्दा तो नया होगा ना, कि हाँ कुछ नया कार्य भी करें। हाँ, गरीब के लिए कार्य होगा भाई। जैसे मोदी जी सोच के रखे थे ना कि हम उज्ज्वला योजना देंगे, मोदी जी सोच के रखे थे तीन तलाक हटाएंगे, 370 हटाएंगे, 35 ही हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, सड़क का निर्माण करेंगे, वो सब चीज़ हो रहा है। वो मोदी जी के पास में मास्टर प्लान बना हुआ है कि आने वाला कल क्या होगा। हम लोग तो एक देश का सिपाही हैं, भाजपा का सिपाही हैं, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। 400% और 415 पार हो रहा है सर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अच्छा, जिस व्यक्ति को बेचैन होता है, आप विपक्ष के पास देख लीजिए ना, इंडिया गठबंधन के पास मुंह है, केवल बैल का पुच्छी नजर आ रहा, मुंह है, कौन बनेगा उसमें प्रधानमंत्री? राहुल बाबा बनेंगे क्या? समय वोटिंग पर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अलग मुद्दा है। नहीं, वोटिंग परसेंटेज तो लगातार बढ़ रही है। घर से निकल के लोकतंत्र का महापर्व में लोग जैसे महापर्व को मनाते हैं, वैसे मना रहे हैं। लोग इस बात के लिए मतलब खुश हैं कि हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। जो हम एज ए वार्ड पार्षद हैं, हम अपने कार्यकाल में कम से कम 700 कुछ व्यक्ति का हमने नाम जोड़ा है, और सब 18+ है। युवा ने कहा है कि भाई हम अगर चुनेंगे तो देश के प्रधानमंत्री को चुनेंगे, और युवा इस बात से खुश है कि चाय वाला के बाद बारी है गाय वाला का। धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर हम लगातार घूमकर जाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जी वो लोग वोट दे रहे हैं तो मुद्दा क्या है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र पे हम हैं, जगह जगह जाकर हम खबर बना रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किन किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं। जमकर 80, 100 और 110 साल के लोगों ने भी आकर वोट किया है, क्योंकि उनको सुविधाएँ मिलती है कि आप घर पर रहकर ही वोट कर सकते हैं, फिर भी वो लोग कहें नहीं, अगर बूथ है तो हम बूथ पर जाकर ही वोट करेंगे। इतनी जागरूकता है यहाँ के लोगों में। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहे। धन्यवाद।